तो सही ना बोले हैं, गलत का बोले हैं? तो भाजपा वाला बोला है विधायक की वापस लेना चाहिए। आर का एक बात जानते हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, समझ गए, हवा हवाई नहीं है हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूं आपके साथ रंजन। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं। आज आरजेडी की स्थापना दिवस है, रजत जयंती के मौके पर आज 4 साल बाद लालू प्रसाद यादव आरजेडी कार्यालय पहुंचेंगे और यहां पे लालटेन का अनावरण करेंगे। इसको लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है बस लालू यादव को राजद के कार्यालय में देखने के लिए। और लालटेन का अनावरण होगा आज, वो स्पेशल लालटेन जो राजस्थान से मंगाया गया है, 6 टन का ही वो लालटेन है और वो हमेशा ही जलते रहेगा। मंगलवार को लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के 15 सालों का कार्यकाल देखने के लिए वो लालटेन जलाएंगे। हाँ, वो भी है, लेकिन आज रजत जयंती के मौके पर भी उनका अनावरण किया जाएगा। आइए पूछते हैं राजद के कुछ नेताओं से कि आज लालटेन का अनावरण कर लालू यादव क्यों कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है। वक्त हमारे साथ मौजूद है बंटू सिंह, राजद नेता, उनसे जानेंगे कि लालू प्रसाद यादव 4 साल बाद आरजेडी कार्यालय पहुंच रहे हैं, कितनी खुशियां हैं और वो क्या कहेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार। आज 4 साल बाद लालू प्रसाद यादव आरजेडी कार्यालय पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, उनका तो है ये कार्यालय, तो आ रहे हैं, हम लोग में खुशी है, उत्साह है, गरीब के वो मसीहा है, जन नायक है, तो आ रहे हैं तो बढ़िया ना, खुशी का बात है, हम लोग खुश है और क्या। जानना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया था कि शराबबंदी कानून को वापस लेना चाहिए, उस पे क्या आप कहेंगे? तो सही है ना बोले हैं, गलत का बोले हैं? तो भाजपा वाला बोला है विधायक की वापस लेना चाहिए, लालू जी तो जान रहे हैं राजनीतिक के, वो समझ रहे हैं क्या, बिहार का एक बात जानते हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, समझ गए, हवा हवाई नहीं है हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी, वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो जमीनी बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, जनता का जो बात है वो जो है सो कि नेता को बता रहे हैं। अब लोग बोल रहा है कि आप उस समय शराबबंदी का सपोर्ट काहे किए, शराबबंदी अच्छा चीज़ है, हम ही नहीं कहते कि मने कि खराब चीज़ है, अच्छा चीज़ है, मगर सपोर्ट किए कि हाँ शराबबंदी हो, मगर ये शराबबंदी क्या है, ये तो आओ लगता है पहले से ज़्यादा शराब मिलने लगा और लोग ज़्यादा पी भी रहे हैं और नकली शराब बन रहा है। हम तो कितना वीडियो वायरल किए हैं, हाल ही में वायरल किए हैं कि जदयू के नेता लोग हाथ में शराब का बोतल लेके घूम रहे हैं, मगर उन लोग पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये क्या, नीतीश कुमार की सरकार अगर अच्छा काम करती तो 43 सीट पर आती, थर्ड ग्रेड की पार्टी रहती, बताइए, तो जनता सब जान रहा है, इसमें बोलना ज़्यादा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लालू प्रसाद यादव ने शराबबंदी कानून को वापस लेने की बात इसलिए उन्होंने ये बात कही क्योंकि शराबबंदी कानून को वापस ले ही ले, क्योंकि शराब तो बंद नहीं हो रहा है, हर तरफ शराब अवैध रूप से मिल रहा है, इसको लेकर ही लालू प्रसाद यादव ने कहा था। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।